सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के विषय में। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आपके एग्जाम में निश्चित रूप से इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। और दोस्तों, कौन कौन से टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। और एक्टिव से पैसिव बहुत ही आसान होता है दोस्तों, एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से टेंसेस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। दोस्तों, यहां पर आप देखिए, प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेम इसी तरीके से पास्ट टेंस में भी पास्ट इनडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये टोटल 8 टेंस हैं जिनके एक्टिव से पैसिव बनाए जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, इसके अलावा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये 8 टेंस आपके दिमाग में होने चाहिए, इन्हीं का हमें एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो चलिए हम अब रूल्स को देखते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से। अगर आपको सेंटेंस बनाना आता है, आपको पता है सब्जेक्ट कहाँ होता है, वर्ब कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, तो बस इतनी चीजें इसमें जानने की जरूरत है, बाकी और कुछ भी नहीं। बहुत ही इजी चैप्टर है। एक्टिव वॉइस में आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट मुख्य होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मुख्य होता है। यानी कि जो सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस, उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। तो इसीलिए इसमें ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है पैसिव वॉइस में, ये पहली महत्वपूर्ण चीज है। इसके बाद एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम में, एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं तथा ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं। तो बाई का यूज आपको हर एक सेंटेंस में करना है एक्टिव से पैसिव जब आप बनाएंगे पैसिव सेंटेंस में। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, सीता सिंग ए सॉन्ग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सीता। इसके बाद वर्ब क्या है? सिंग मतलब गाना, और अ सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए सॉन्ग। उसके बाद ये प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इनडिफिनिट चेंज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो इस वजह से यहाँ पर ए सॉन्ग के साथ इज आएगा। इज एम आर में से क्या लेंगे हम? यहाँ पर इज लेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है पैसिव वॉइस में, ये तो आपको कभी नहीं भूलना है। बाई का यूज और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हर एक सेंटेंस में होगा एक्टिव से पैसिव बनाने में। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि सॉन्ग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग, इसके बाद बाई, वर्ब के तुरंत बाद बाई, और उसके बाद जो सब्जेक्ट था वो क्या था? सीता था, बस सीता हो गया यहाँ पर। तो सीता सिंग ए सॉन्ग का क्या हो गया? पैसिव वॉइस, अ सॉन्ग इज संग बाई सीता, तो ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। इसके बाद सहायक क्रिया विल, सेल, कैन, मे के स्थान मे के साथ बी का प्रयोग करना है, यानी कि अगर सहायक क्रिया विल, सेल, कैन, मे ये मिलता है तो हमें इसके साथ पैसिव वॉइस में बी का प्रयोग करना है। इसके बाद एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि ये रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये बहुत जरूरी रूल है दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि हर एक सेंटेंस में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए, एक्टिव से पैसिव हम बनाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम अगर इनडिफिनिट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस चेंज हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और सेम इसी तरीके से पास्ट इनडिफिनिट टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर इनडिफिनिट टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इस तरीके से चेंज होगा। तो यहां पर आप देखिए, जो प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस है ये चेंज होगा जब कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप चाहें तो इस रूल को लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से पास्ट टेंस में भी यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, लेकिन जब इसका पैसिव बनेगा तो कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऑब्जेक्ट प्लस
वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसी प्रकार से फ्यूचर इनडिफिनिट टेंस सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट प्लस सेल, इसके बाद सेल या विल के साथ बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, उसके बाद फिर सब्जेक्ट। इस तरीके से मॉडल वर्ब जो होते हैं सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय उसके बाद सब्जेक्ट। तो ये आप याद रखिएगा रूल, बहुत ही आसान है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा एक्टिव से पैसिव वॉइस। सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट हम देखेंगे, गोपाल बाइज अ बुक, गोपाल ने एक बुक खरीदी है। तो अब किस तरीके से हम चेंज करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, तो अ बुक, अ बुक क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, इज। उसके बाद बाइज का हो जाएगा थर्ड फॉर्म बॉट, तो इज बॉट, इसके बाद तुरंत बाई लगेगा और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा गोपाल। तो इस तरीके से गोपाल बाइज अ बुक का हो जाएगा अ बुक इज बॉट बाई गोपाल। तो सबसे पहले आपको दिमाग में क्या रखना है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर। इसके बाद हमें रूल में देखना है हमें किसका प्रयोग करना है, इज एम आर वॉज वर विल सेल। उसके बाद हमें तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है और उसके तुरंत बाद बाई लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को लिख देना। तो इस तरीके से ये कुछ अहम रूल है जो आपको याद रखने की जरूरत है। फिर है रमा बीट्स हिम, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर हिम का हो जाएगा, हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, जब ये सब्जेक्टिव फॉर्म में जाता है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमें सब्जेक्ट की जगह पर ले जाना, जब हम इसे सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे तो हिम का ही हो जाएगा। अभी मैं आपको चार्ट के माध्यम से दिखाती भी हूँ किस तरीके से हिम का ही होगा। तो ही के साथ क्या लगेगा, इज एम आर में क्या लगेगा, इज लगेगा, तो इज। उसके बाद बीट का हो जाएगा थर्ड फॉर्म बीटेन, बीटेन, इसके बाद तुरंत बाई लगेगा, वर्ब के तुरंत बाद बाई आएगा, आपको पता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट, तो रमा, तो रमा बीट्स हिम का हो जाएगा ही इज बीटन बाई रमा। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है ही डज नॉट राइट अ लेटर, तो अ लेटर सबसे पहले आएगा, अ लेटर, उसके बाद अ लेटर क्या सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम प्रयोग करेंगे इज का, इज। इसके बाद तुरंत नॉट, इज नॉट, राइट का क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा थर्ड फॉर्म, राइट रोट रिटर्न यही होता है, तो थर्ड फॉर्म रिटर्न हो गया। उसके बाद तुरंत बाई और फिर ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम हो गया। तो इस तरीके से ही डज नॉट राइट अ लेटर का हो गया, अ लेटर इज नॉट रिटर्न बाई हिम। इसके बाद दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट हम चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा, आपको पता है यू रोट अ लेटर, तो यू रोट अ लेटर, अ लेटर वॉज, अ लेटर क्या है सिंगुलर है, तो इसके साथ वॉज का प्रयोग करेंगे, अ लेटर वॉज, रोट का हो जाएगा रिटन थर्ड फॉर्म, रिटन बाई यू, यू का यू ही रहेगा दोस्तों, चाहिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो चाहिए सब्जेक्टिव फॉर्म में हो, यू का यू ही रहता है। अभी मैं चार्ट के माध्यम से आपको पूरा दिखा दूंगी। इसके बाद है दूसरा एग्जाम्पल पास्ट इंडेफिनिट का, दे एट सम एप्पल्स, तो सम एप्पल्स सबसे पहले हम इसको रखेंगे सब्जेक्ट की जगह पर क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो सम एप्पल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सम एप्पल्स कर लीजिएगा, एस लगा लीजिएगा, सम एप्पल्स। अब एप्पल्स है तो ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल के साथ क्या यूज होगा, वाज यूज होगा कि वर यूज होगा, वर यूज होगा, आप सभी को पता है सम एप्पल्स वर, क्योंकि कुछ एप्पल है, अब वो पांच है सात है दस है ये तो नहीं पता है, कुछ एप्पल है तो उसके साथ इसीलिए वर का प्रयोग होगा। इसके बाद ईट का सेकेंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन होता है, तो यहाँ पर ईटन, उसके तुरंत बाद बाई, क्योंकि आप सभी को पता है वर्ब के तुरंत बाद बाई का प्रयोग करेंगे, और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा देम, तो दे एट सम एप्पल्स का हो जाएगा सम एप्पल वर ईटन बाई देम। इसके बाद दोस्तों दो एग्जाम्पल है फ्यूचर इनडिफिनिट टेंस के, किस तरीके से ये चेंज होता है, दे विल प्ले अ गेम, तो अ गेम विल बी प्लेड बाई देम, क्योंकि अभी आपने यहाँ पर रूल में देखा था विल सेल के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अ गेम विल बी प्लेड बाई देम, यहाँ पर बी आया है, तो ये आप याद रखिएगा बी के तुरंत बाद वर्ब और वर्ब के तुरंत बाद बाई। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है माई मदर विल लव मी, माई मदर विल लव मी, तो मी का
सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा आई, इसके बाद शैल, आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, इसके बाद बी, बी आपको पता है आएगा विल और शैल के बाद तुरंत बी आएगा, उसके बाद लव का थर्ड फॉर्म लव्ड, उसके बाद तुरंत बाई माई मदर, तो माई मदर विल लव मी का हो जाएगा आई शैल बी लव्ड बाई माई मदर। अब चलिए हम पहले चार्ट देख लेते हैं। ये रहा चार्ट एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। अब यहां पर देखिए एक्टिव में आई मी हो जाता है पैसिव में, ठीक इसका उल्टा भी आपको मिलेगा तो आप याद रख सकते हैं, वी का अस, अस का वी, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। यू का यू ही रहेगा, यू चेंज नहीं होगा। ही का हिम आप सभी को पता है, लड़कों के लिए ही, लड़कियों के लिए शी का प्रयोग करेंगे तो ही का हिम। इसके बाद सी का हर, दे समवन एवरीवन की जगह पर देम का प्रयोग करेंगे, दे देम ये आप याद रखिएगा, मोस्टली दे मिलता है। इसके बाद एनीवन, इसको हटा देना है, इसको कुछ नहीं करना है, हटा देना है पैसिव वॉइस में। और अगर कोई भी नाउन है, रीता, गीता, सीता, श्याम, मोहन, ये अपनी जगह पर एग्जैक्टली वैसे ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं, तो ये तो चेंज ही नहीं होते, तो ज्यों का त्यों ही ये रहते हैं, चाहे सब्जेक्टिव फॉर्म में रखिए चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखिए, तो नाउन तो चेंज होगा नहीं, नाम तो किसी का चेंज होगा नहीं। अब दोस्तों यहां पर आप देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनता नहीं है पैसिव वॉइस, तो आपको सिर्फ इन्हीं दो कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ना है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं चेंज करना है, इज एम आर अपनी जगह पर रहेगा और इसके साथ एक चीज ऐड होगा बीइंग, बी ई आई एन जी, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई तो लगेगा ही, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ऐसे ही पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी वाज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है और जब हम इसको चेंज करेंगे तो वाज वर्ब अपनी जगह पर रहेगा प्लस बीइंग आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाकी बाई और ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस टेंस सबसे आसान है, बस दिमाग में आपको क्या रखना है कि अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो बीइंग ऐड होगा, इज एम आर के बाद बीइंग लग जाएगा, बाकी आपको पता ही है कि कोई भी बनाएंगे हम, कोई भी सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी ही, बाई का यूज होगा ही। तो इस तरीके से आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है। तो अब यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही खाली बनता है एक्टिव से पैसिव और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, ये भी दिमाग में रखिएगा। और केवल बीइंग एक एक्स्ट्रा शब्द जुड़ जाता है इसमें, ये भी आपको याद रखना। तो चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, द चाइल्ड इज ईटिंग अ बनाना, इज ईटिंग अ बनाना, इज एम आर के साथ वर्ब की आई एन जी फॉर्म, यही होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें चेंज क्या करना है हमें, सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आता, तो आ बनाना क्या है, सिंगुलर है तो इजी यूज होगा, उसके बाद तुरंत बीइंग, बीइंग उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बाई, फिर चाइल्ड, तो द चाइल्ड इज ईटिंग अ बनाना का हो जाएगा, अ बनाना इज बीइंग ईटन बाय चाइल्ड। सेम तरीके से द गर्ल इज क्लीनिंग द कप्स, तो द कप्स, अब इज एम आर में क्या लगेगा, कप्स है, एक कप तो है नहीं, कई सारे कप हैं, तो इसीलिए आर का प्रयोग होगा, द कप्स आर बीइंग क्लीन बाय द गर्ल। इसके बाद तीसरा एग्जांपल है, द टीचर इज टीचिंग अस, तो अस का वी हो जाएगा, आपने भी चार्ट में देखा है, तो वी, वी के साथ आर का प्रयोग होता है, इज एम आर में क्या प्रयोग होता है, आर, उसके बाद बीइंग, फिर टीच का हो जाएगा टॉट थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय द टीचर, द टीचर इज टीचिंग अस का हो जाएगा, वी आर बीइंग टॉट बाय द टीचर। इसके बाद हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के एग्जांपल देखेंगे, द कैट वॉज कैचिंग अ रैट, तो अ रैट वॉज बीइंग कॉट बाय द कैट, यहां पर आप सी बना लीजिएगा दोस्तों, द कैट वॉज कैचिंग अ रैट का हो जाएगा अ रैट, अ रैट, फिर वॉज, इसके बाद तुरंत बीइंग, फिर कैच का हो जाएगा कॉट थर्ड फॉर्म, फिर बाई द, फिर सब्जेक्ट द कैट, तो अ रैट वॉज बीइंग कॉट बाय द कैट, यानी कि एक रैट क्या किया, पकड़ा गया किसके द्वारा, कैट के द्वारा। इसके बाद ही वॉज लर्निंग वर्ड्स, तो वर्ड्स वर बीइंग लर्न्ड बाय हिम, बहुत ही आसान है कॉन्टिन्यूअस टेंस को चेंज करना, आपके दिमाग में बस एक ही शब्द होना चाहिए बीई आई एन जी बीइंग, इसके अलावा बाकी सारे रूल्स पुराने हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगी एक्टिव से पैसिव बनाने में, बाई का प्रयोग हमेशा होगा।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस में कैसे हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा। तो हैज हैव के साथ बीन लगता है, आप सभी लोगों को पता है। तो हैज हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होगी ही, और वैसे भी परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या पास्ट परफेक्ट टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। तो ये भी आपको यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं है इस टेंस में, इसलिए ये टेंस भी बहुत ही आसान है। बस इसमें एक्स्ट्रा जैसे आपने कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग जोड़ा था पैसिव बनाने में, वैसे ही इसमें हम बीन जोड़ेंगे। तो यहाँ पर बीन हमने जोड़ दिया। बस इस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैड बीन लग जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा, तो शैल है, विल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से बनेगा। तो बीन का प्रयोग यहाँ पर होगा। अब एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। द प्यून हैज रंग द बेल, तो द बेल हैज बीन रंग बाई द प्यून। सबसे पहले द बेल आगे आ गया, उसके बाद हैज बीन, बीन आपको पता लगेगा, रंग रंग ही रहेगा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है परफेक्ट टेंस में, उसके बाद बाई, फिर द प्यून। तो इस तरीके से समवन हैज स्टॉलन माई बुक्स, तो माई बुक हैज बीन स्टॉलन बाई समवन। दोस्तों समवन हैज स्टॉलन माई बुक का हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे माई बुक, उसके बाद हैज बीन का प्रयोग होगा आपको पता है, इसके बाद स्टॉलन की जगह पर स्टॉलन ही रहेगा, उसके बाद बाई आएगा, फिर समवन। तो समवन हैज स्टॉलन माई बुक का हो जाएगा माई बुक हैज बीन स्टॉलन बाई समवन। फिर है एग्जाम्पल वी हैड डन दिस वर्क, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वी यहां पर देखिए वी हैड डन दिस वर्क का हो जाएगा दिस वर्क हैड बीन डन बाई अस। तो यहां पर क्या हो जाएगा वी हैड डन दिस वर्क का हो जाएगा दिस वर्क हैड बीन डन बाई अस, हैड बीन यहां पर लगा। इसके बाद है ही हैड लर्नड दीज वर्ड्स, तो दीज वर्ड्स हैड बीन लर्नड बाई हिम। तो यहां पर भी हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई, उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम लग गया। इसके बाद पांचवा एग्जांपल है आई शैल हैव टॉट दिस लेसन, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो आई शैल हैव टॉट दिस लेसन, तो दिस लेसन विल हैव बीन टॉट बाई मी, क्योंकि विल या शैल के साथ हैव बीन लगेगा। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर सिक्स है दे विल हैव कॉल्ड मी, तो मी का आई हो जाएगा सब्जेक्टिव फॉर्म, तो आई लग गया, आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, उसके बाद हैव, फिर बीन, और उसके बाद कॉल्ड का कॉल्ड ही रहेगा, फिर बाई देम। तो दे विल हैव कॉल्ड मी का हो जाएगा आई सेल हैव बीन कॉल्ड बाई देम। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक्टिव से पैसिव बनाने के जितने भी रूल थे वो भी आप लोगों ने देखे, और आपने अच्छे से सभी रूल्स को समझा, और किस तरीके से कहाँ पर किसका प्रयोग होता है, कहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, आप सभी को पता है जितने भी सेंटेंसेस अभी तक आपने देखे सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ, बाई का प्रयोग हुआ। और दोस्तों इसके बाद हम ढेर सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर के, ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और सभी टेंस को एक बार फिर से हम ध्यान से देखेंगे और एक बार फिर से हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक। उम्मीद करती हूँ यहाँ पर पूरा आपको समझ में आया होगा जितना मैंने आपको यहाँ पर टोटल कम्प्लीटली ये चैप्टर पढ़ा दिया है। अब इसके एग्जाम्पल हम अच्छे से समझते हुए और इसके ढेर सारे एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। तो बस आप लोग अगला भी वीडियो जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नए वीडियोज बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते हुए रहेंगे। दोस्तों इंग्लिश विषय बहुत ही आसान है और इसको बहुत ही अच्छे से मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी, ताकि आप लोग का हर एक टॉपिक क्लियर होता चले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ एक्टिव और पैसिव वॉइस के। जय हिंद दोस्तों।